ठेले पर बिक रही सरकारी किताबें। जी हां, बांदा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां वर्तमान सत्र की सरकारी किताबें भारी मात्रा में एक कबाड़ी के पास से बरामद हुई हैं। ये किताबें एक कबाड़ी ठेले पर लेकर बेचने जा रहा था, तभी वह मीडिया की नजर में आ गया और मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे बीएसए ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं बांदा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों की जूनियर और प्राथमिक कक्षाओं की सरकारी किताबें आज एक कबाड़ के ठेले से बरामद हुई हैं, जो कबाड़ की दुकान में बेचने जा रहा था। कबाड़ी का कहना है कि उसने यह किताबें एक घर से 6 रुपए किलो के हिसाब से लगभग 2 क्विंटल किताबें 1140 रुपए की खरीदी है। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद हड़कंप मच गया और जानकारी लगते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के बाद पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। इस मामले में बीएसए का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बांदा से हमारे संवाददाता प्रदीप अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आगे मालूम जांच ना है वो बता दे रहा। घर से लाए हो? किस घर से? कलियम बता दे रहा ना। कितने में खरीदी है? 6 रुपए। ये कहाँ तक खरीदा आपने? आगे से खरीदा, घर से खरीदा है। सरकारी किताबें हैं, कितने में खरीदी आपने? 6 रुपए किलो खरीदी। कितने से कितने की खरीदी? पूरा माल कितने का लिया? 1140 का। ये सरकारी है आपको पता? पता नहीं होता, पता होता तो हम लेते क्यों? कौन है, किस क्या? नाम मालूम है? नाम मालूम, घर मालूम।